ओवर ड्रिंकिंग नहीं करना ना, स्ट्रेस स्ट्रेस कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो? मेडिटेशन से. हाँ ये सब सही है, सब आप सब सही बोल रहे हो. मैं जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ. आपने सुना होगा, मेरी ग्रैंड पेरेंट्स मुझे बताते हैं खाली दिमाग शैतान का घर. सुना है आपने खाली दिमाग शैतान का घर? हाँ, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी. मतलब जितना ज़्यादा खुद को बिजी रखोगे ना, जितना ज़्यादा खुद को बिजी रखोगे. मैं ये नहीं कहूँ कि आप वैसे मैं स्टूडेंट हमारे लोग पढ़ूँ या अपना, मतलब आपको भाई आपने हॉबीज़ बताया, इधर आप अपने हॉबी पे अपने आप को पूरा ये कर दो, या फिर कभी भी ना खुद को खाली मत रखो. मेरे कहने का मतलब यही है, कभी भी खुद को, अगर देखो हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम कुछ भी चीज़, अगर एक बार मैं पढ़ रही हूँ ये मान लो ओबेसिटी में पढ़ रही हूँ, एक टॉपिक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं दो चीज़ नहीं सोच सकती हूँ. हम ह्यूमन्स हैं ना, एक टाइम पर एक ही चीज़ सोच सकते हैं. हम क्यों फालतू काम करते हैं कि हमारे ध्यान कहीं और रहता है, हम काम पे ध्यान नहीं लगाते. इसलिए लाइफ में जो भी करो वो पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ. अगर अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, तो मेरा ध्यान सिर्फ यहाँ पे है कि मैं क्या बताऊँ, ये नहीं सोच रही हूँ कि घर में क्या है, खाने में क्या है, ये वो. इस तरह से जब भी आप कोई भी काम करो, आप सिंपल अगर ड्राइव भी कर रहे हो ना, तो आप ड्राइविंग पर ध्यान दो ज़्यादा. मैं ये नहीं कह रही कि पूरा ये भूल जाओ, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करके अपना काम करो, खुद को पूरा बिजी रखो, जितना हो सके बिजी रखो. आप देखना आप खुद भी ऑब्जर्व कियोगे, जिस दिन में आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, सुबह से रात तक आप बहुत बिजी रहते हो, उस दिन रात को आपको बहुत अच्छी नींद आती होगी. आती है ना, ये कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है. जिस दिन हम बहुत बिजी रहते हैं ना, उस दिन हम बहुत, और हमें बहुत रिलैक्स फील होता है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग. और अगर लोग कहते हैं आजकल इंसॉम्निया बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है, लोगों को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, एक रेगुलर रूटीन उन्होंने नहीं कर रखा है, कोई योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो लोग, प्लस एक टाइम नहीं बनाया ना कि इस समय 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, ये नहीं है, योगा एक्सरसाइज नहीं कर, रात में 12 बजे सोने का है. मान लो फ्रेंड का कोई कॉल आ गया, मैसेज आ गया, अब 2 बजे तक व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फिर सुबह कल, तो ये एक ऑल्टर हो जाता है ना. अगर स्लीप साइकिल आपका ऑल्टर हो जाएगा तो आपको कैसे नींद आएगी? आप तीन, मैं मानती हूँ कि अचानक से नहीं होता, आप 5-6 दिन करके तो देखो, एक टाइम बना लो, मुझे इतने समय उठने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, चाहे जो हो जाए मुझे इतने बजे उठना है सोना है. आप 5-6 दिन पर देखना आपका वो हैबिट बन जाएगा, फिर आपको नींद आने लग जाएगी. ठीक है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग में मैं क्या बोल रही थी, चलो ठीक है ना, स्ट्रेस का हो गया ना, खुद को बिजी रखो, ठीक है, खुश रहा करो. अगर कभी भी हम कुछ भी स्ट्रेस लेते हैं तो अल्टीमेटली उससे कोई फ़ायदा नहीं होता. अल्टीमेटली मैं खुद बता रही हूँ, मैं जस्ट अपना बता देती हूँ. मैं अभी मैं डॉक्टर निर्दिमा हूँ, मैंने MBBS किया है, मैं एक्चुअली बिहार पटना की हूँ. मैंने MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर गुजरात से किया है, और जस्ट मेरी MBBS अभी कम्प्लीट हुई है. अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PG पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स फ्रॉम ऑब्स इन ऑब्स कैनिंग. आई वॉन्ट टू टू इन ऑब्स कैनिंग. तो सिंपल सी बात है कि आप, मैं खुद भी अपना बता रही हूँ, आप लोगों को छोड़ो, मैं खुद पहले बहुत स्ट्रेस लेती थी, ज़्यादा मैं पढ़ाई का ही लेती थी, कितना मार्क्स आएगा ये वो. और मुझे ना गुजरात में रहते रहते, क्योंकि मैं गुजरात में हॉस्टल में रहती थी, गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा था मेडिकल कॉलेज में, तो मुझे पेट की बहुत दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी. उसमें एक तो था कि बहुत ऑयली स्पाइसी फूड मेरे हॉस्टल में मिलता था, घर में मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती हैं, दूसरा कि मैं थोड़ा स्ट्रेस भी लेती थी वो साइकोलॉजिकल, मतलब मैं स्ट्रेस इन सेंस कि मैं वही पढ़ाई का बहुत देती थी, क्या होगा एग्जाम्स में, क्या होगा रिजल्ट, क्या होगा ये वो. रात एग्जाम्स के रात मुझे नींद नहीं आती थी, ऐसा मुझे होता था. मैं खुद भी ये सब सफ़र कर चुकी हूँ, उसमें बता रही हूँ. बट नाउ आई ओवरकम फ्रॉम ऑल दीज. मैं ये सब मैनेज करना सीख ली हूँ. जब मैं करना सीख ली हूँ तो हर कोई कर सकता है. एवरी ह्यूमन बींग हैज़ द पोटेंशियल टू डू वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स. अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता. तो अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीखो, बिजी रहो, अपना हॉबीज़ जो बोला, कुछ भी, गाना सुनना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना जो भी अच्छा लगता है, खाना बनाना जो भी करना है ना, बिजी रहो और अपने हॉबीज़ में करो. ठीक है, स्ट्रेस का हो गया. थर्ड पॉइंट इज स्मोकिंग ड्रिंकिंग. स्मोकिंग ड्रिंकिंग मैंने बोला कि मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं है वो साइलेंट किलर होता है. एक तो मैंने बताया कि वो इंडिया को डिस्टर्ब करना है. अगर आपने, आपके अंदर इतनी नेशनैलिटी है ना, अगर इतनी भारत, मतलब इंडियन का फीलिंग है, ये नेशनल अपने देश के प्रति देशभक्त हो, तो पता नहीं आपको ये बता होगा कि नहीं, मैंने ना इंटरनेशनल मैगजीन से पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया, उनका टारगेट था कि इनको स्मोकिंग ड्रिंकिंग गलत गलत हैबिट्स में लगाओ, ताकि हम आगे बढ़ जाएं, इनका डाउनफॉल हो. कोई भी बंदा नॉर्मल बात है भैया, कोई भी मान लो दिन भर अगर सिर्फ ड्रिंक करके सो रहा है तो थोड़ी ना इतना काम कर पाएगा. चलो ठीक है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग का प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या बोली थी, हमारे बॉडी में ना, ब्रेन में एक ऑर्फिन ओपिओइड्स रिसेप्टर होते हैं. ओपिओइड्स रिसेप्टर नॉर्मली हर कोई के ब्रेन में रहता है, मेरे ब्रेन में नहीं, सबके ह्यूमन बींग्स में रहते हैं ओपिओइड रिसेप्टर्स.
जो कि क्या होता है कि जब हम योगा एक्सरसाइज करते हैं ना, लोग बोलते हैं ना योगा करो एक्सरसाइज, यार कॉन्सेप्ट नहीं पता क्यों बोलते हैं। योगा एक्सरसाइज से क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में नेचुरल एंडोर्फिन्स बनते हैं, नेचुरल एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन्स इज ओपिओइड्स, जो हरीश मरुजाना हीरोइन ये सब होता है ना, वो मैं बता रही हूँ हमारे बॉडी में नेचुरली भी रहता है। एंडोर्फिन्स हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, कब होते हैं, जब हम योगा करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो जो हम बाहर से स्मोकिंग ड्रिंकिंग करके वो जो हम लेते हैं ना, जो स्मोकिंग में ड्रिंकिंग में जो आगे रिलैक्सेंट हमारे बॉडी पे ऐड करता, वही रिलैक्सेंट आपके बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, बस आप वो प्रोड्यूस नहीं करते हो। वो प्रोड्यूस करने के लिए आपको वर्कआउट करना, मतलब योगा करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। आप थोड़ा सा दोनों तरह का एक्सरसाइज करो, आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक दोनों करो, मतलब बैठे हुए भी और रेगुलर जॉगिंग। आप ब्रिस्क वॉकिंग करो, ब्रिस्क वॉकिंग मतलब कि तेज चलना, ठीक है, तेज सिंपल चलना से कोई मतलब नहीं बनता। जिसको पैर में बहुत प्रॉब्लम है उसको नहीं बोल रही हूँ कि तुरंत तेज चलने लगो, पहले पैर का दर्द ठीक हो जाए फिर तेज चलो, लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग करोगे ना उसमें उसका आपका इतना फ़ायदा, आपको अर्ली मॉर्निंग आपके जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वो ठीक होंगे, आपके हार्ट स्ट्रांग होगा, आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, आपका आप खुश फील करोगे खुद भी। आप कभी देखना, आप कभी किसी दिन वर्कआउट करो ना, तो आपको खुद से अंदर लगता है कि आज हाँ मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो ठीक है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग कम करना, उसके बदले आप योगा एक्सरसाइज करना, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। लोग यही करते हैं ना कि बहुत टेंशन है, चलो पी के सो जाते हैं, और फिर सुबह तो हैंगओवर होता ही है लोगों को। अब लोगों को लगता है कि आज इतना, फिर कल और इतना, और धीरे धीरे ना ये हो जाता है, डिपेंडेंस होती है लोगों की, आज इतने से काम यहाँ, आज कल डबल बॉटल की ज़रूरत होगी। धीरे धीरे करके ना, धीरे धीरे करके आपकी बढ़ती जाएगी। फिर आपको पता नहीं है ना, वो साइलेंट किलर होता है, आई रिपीट प्लीज़ राइट इट डाउन, दे आर साइलेंट किलर्स। आई रिपीट द स्पेलिंग ऑल्सो, रिपीट द स्पेलिंग ऑल्सो, एस आई एल ई एन टी, साइलेंट किलर, के आई। जब भी ड्रिंकिंग स्मोकिंग करने की बात है ना, अगली बार याद है तो याद रख लेना साइलेंट किलर। और अचानक से नहीं होगा, अचानक से किसी को भी कुछ भी नहीं हो जाता, इट कम्स विद प्रैक्टिस। ये नहीं आप सोचो कि आज मैंने छोड़ दिया, कल मुझे थोड़ा सा तो इवोकिंग लगती है ना कि नहीं मुझे करना है करना है, लेकिन मेरा बात मानो, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए देखा है, जो कि अपने मतलब लोग ट्रीटमेंट के लिए दवा भी लेते ना, मैंने बहुत सारे मतलब 17-19 ईयर से जो रेगुलर ड्रिंकिंग थे ड्रिंक करते थे, वो भी अपने दिमाग से अपने हौसले से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आज आप हौसला आज प्रॉमिस कर लेते हो कि मुझे नहीं करना, आप एक दो बार ट्राई करो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको अचानक से लिया कि नहीं नहीं करना, आप एक वीक तक मैक्सिमम आपको क्रेविंग्स आएंगे कि नहीं लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए। जब भी ऐसा लगे आप कुछ निकोटीन का कुछ सॉफ्ट ये सब ले लो, या कोई ऐसा चीज़ थोड़ा सा वॉक कर लो, गाना सुन लो, टीवी देख लो, ध्यान वहाँ से हटाओ, फिर धीरे धीरे यू विल बी यूज टू ऑल दीज थिंग्स, यू विल नॉट बी क्रेविंग फॉर ऑल द टाइम फॉर स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड ऑल। ठीक है, तीसरा रिस्क फैक्टर उसका मैंने क्या बताया, क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या करना चाहिए ना, मैंने बता दिया क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं बताऊँगी क्या करना चाहिए। एक हम मेरे सीनियर है डॉक्टर अनुज शर्मा, ही इज कार्डियोलॉजिस्ट इन मुंबई, इन वेरी इज वेरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे जो इसको नोन है, तो उनके वो बहुत एक सीनियर और बहुत एक्सपर्ट है। उन्होंने हेल्थ मंत्रा बताया, आप चाहते हो कि मैं वो एक शेयर करूँ आपसे, हेल्थ मंत्रा, ओके देन प्लीज राइट हेल्थ मंत्रा फर्स्ट, हेल्थ मंत्रा। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज सेड बाय डॉक्टर अनुज शर्मा, कार्डियोलॉजिस्ट इन मुंबई। ठीक है, उन्होंने मुझे क्या बताया था, सबसे पहला वो मुझे क्या उन्होंने कॉन्फ्रेंस बताया था, मैं भी थी तो मैं सब नोट की थी। सबसे पहला, बहुत पानी पियो, पानी हमारे बॉडी का 70% कितने क्या रहता है, बॉडी में 70% पानी रहता है ना, इसलिए ठीक है। फर्स्ट थिंग, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब जितना ज़्यादा पानी, ये नहीं मतलब इतना नहीं कि जितना बर्दाश्त ही नहीं वॉमिटिंग हो जाए, धीरे धीरे करके, लेकिन पानी पीने की, बहुत पानी पियो, जैसे नहीं कि जब प्यास लगे ना तभी। सबसे पहला ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा, कभी भी फिर से मैं बोलूँगी, कभी भी खड़े होकर पानी मत पियो, ऑलवेज ड्रिंक वाटर आफ्टर सिटिंग,
क्योंकि ये ना ये हमारे एलोपैथिक और आयुर्वेद दोनों में है, वात दोष आपको पता है, वात दोष होता है आयुर्वेद में। हाँ, तो वो अगर हम स्टैंडिंग करेंगे ना तो वात दोष हमारा बढ़ जाता है, इसलिए कभी भी स्टैंडिंग कंडीशन में पानी नहीं पीना चाहिए। एक बहुत पानी पियो, दूसरा दूसरा बैठ के पानी पियो, ठीक है। और तीसरा, ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए आप ल्यूकवार्म वाटर भी ले सकते हो। आप एक पॉइंट में ऐड कर दूँ, प्लेंटी ऑफ वाटर जो मैंने बोला ना, बहुत पानी पियो, उसमें एक चीज़ और सर ने बताया था, सुबह उठने के साथ आप सिंपल अपना माउथ वॉश, ब्रश करने की भी ज़रूरत नहीं है, सुबह उठने के साथ आप हल्का गर्म, बहुत गर्म नहीं, हल्का गर्म पानी पियो, ल्यूकवार्म वाटर, एक लीटर जितना पहले एक ग्लास से स्टार्ट करना, धीरे धीरे करके बढ़ाना वॉशरूम जाने के पहले, सुबह उठने के बाद। उससे आपको जितने भी आपकी बॉडी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे ना, वो सब निकल जाएंगे। सुबह बासी धूप के अंदर जाता है, एल्कलिनिटी ऑफ, हाँ एल्कलिनिटी करता है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। उषापान बोलते हैं इसको एल्कलिनिटी। हाँ, फर्स्ट पॉइंट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, दूसरा अर्ली मॉर्निंग करो, तीसरा खड़ा होके मत पियो, और चौथा कि खाना खाने के तुरंत बाद मत पियो, कम से कम 30 से 40 मिनट होना चाहिए, 30 से 40 मिनट। अभी मान लो कि मैंने खाना खाया, इट इज़, अगर मैं मान लो 11 बजे खाती हूँ, तो मैं सारी 11:15 तक पीऊँगी, 11:05, 11 बजे से पानी मत पी लेना, ठीक है। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रिस्पेक्ट कर रही हूँ, एंड सॉरी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, आफ्टर 30 मिनट्स पानी पीना है, बैठ करके पीना है, सुबह खाली पेट पानी पीना है, और हल्का गर्म पानी, ठीक है। ये हेल्थ मंत्र था उनका, मतलब उन्होंने बोला था कि हमारा बॉडी 70% वाटर का बना है ना, तो वाटर से रिलेटेड ये हेल्थ मंत्र है। ये सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रोक, डीप डायबिटीज, ये सारे, मतलब मैंने ना अभी जितने आपको डिटेल में बताए, ये मैं सबके लिए बताई, जितने बैक प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी हार्ट के प्रॉब्लम्स, पूरे ओवरऑल बॉडी का मैंने बताया, ये मैं समझना कि मैंने सिर्फ इसके लिए बताया, ये ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए बताया। मैम जैसे छोटे बच्चे हैं वो खाने के साथ पानी पीते ही है, छोटे बच्चे का मैं नहीं बोल रही हूँ ना, 12-13 साल का बच्चा जैसे है, हाँ, हाँ। तो वो मानते नहीं है कि हमें पानी पीना है, धीरे धीरे, हाँ वो प्रिवेंशन होगा, पॉजिटिव अपनी जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें। सर एक सेकेंड, एक चीज मैं मिस कर गई, द बेस्ट थिंग, मैं डॉक्टर हूँ, एलोपैथ से की हुई हूँ, लेकिन मुझे सर बिग फैन ऑफ सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये नो साइड इफेक्ट्स, नेचुरल टेक्निक्स हैं और अफोर्डेबल हैं, आप आराम से कर सकते हो। तो इवन बी डॉक्टर, आई यूज टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम हिम, आई यूज टू कम हियर फॉर माय ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस। मतलब हमारे पास कई सारे एमबीबीएस, एमडी, एमएस टॉप मोस्ट आते हैं, आप लाइन फिट कर सकते हो। अभी आता है किसी को पैरालिसिस हो गया एलोपैथी से, वो चला गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने उसको 10 दिन आईसीयू में रखा, 5 दिन में आईसीयू में नहीं रखा, नॉर्मल रखा, जो इंजेक्शन लगाने, जो दवाइयाँ देनी, जो सब कुछ देना है, उसकी जो क्रियाकलाप एलोपैथी का हॉस्पिटल का वो होना हो गया। अभी पेशेंट्स आता है घर पर, उसके बाद किसकी क्रिया चालू होती है, हम लोगों की, ठीक है। जो नेचुरल प्रेशर, जो जितनी सारी नेचुरल क्रिया करते हैं, जितनी नेचुरल प्रेशर थेरेपी जितनी सारी हैं उन लोगों की, अभी उसी में हमारी टेक्निक है, हमारी भी नेचुरल है, क्यों, क्योंकि किसी भी तरीके का इसमें हम कोई इक्विपमेंट यूज नहीं करते, कोई दवाई यूज नहीं करते। अभी इन्होंने बताया कि एक तो बीपी हाई होने से नस ब्लास्ट मार जाती है, इंजुरी हो जाती है, तो हम उसको इंजुरी का ट्रीटमेंट देंगे, जो क्लॉट बाहर निकल गया, जो थक्का बाहर जम गया, ठीक है। दूसरा आता है कि कहीं से क्लॉट घूमते घूमते ब्रेन में जाके कहीं रुक गया, ऐसा होता है, कब सब होता है सर, तो हमने उस क्लॉट को रिमूव करना है। दो तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का देखा गया है कि हाथ, डॉक्टर साहब स्पीच एरिया बताया ना कि किधर होता है, स्पीच एरिया, हमारा स्पीच एरिया किधर होता है, ठीक है, सेंट्रल लोब में, और वो भी लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा ज़्यादातर देखा गया है कि राइट साइड में जितने सारे, हमने जितना देखा है, मतलब हमने, हमारे पास जितने सारे लोग आए, मैं दूसरे का नहीं बता रहा, उसमें हमने 99% देखा है कि राइट साइड जिसको पैरालिसिस होता है उसकी स्पीच चली जाती है, जिसको राइट साइड में पैरालिसिस होता है उसकी स्पीच चली जाती है, ठीक है, क्योंकि उसका स्पीच एरिया प्रभावित होता है, ठीक है, आगे उसका स्पीच एरिया प्रभावित होता है। अभी हम रिसर्च करते हैं कि किसी व्यक्ति का भारत के अंदर बहुत ज़्यादा, इंसान पहले कैसे चलेगा, नीचे करो भाई,
देखा ना ऐसे चलता है वो नॉर्मल पैरालिसिस वाला नॉर्मल चलता है क्या? जो 100% ठीक हो जाता है वो नॉर्मल चलता है, लेकिन जिसका पैर जिसका जॉइंट जिसका पैर ये खराब हो जाता है वो नॉर्मल नहीं चल पाता, वो ऐसे चलता उठा के, क्योंकि वो पैर ऐसे मोड़ नहीं पाता नॉर्मल ऐसे, ठीक है। दूसरा, ज्यादातर पैरालिसिस वाले व्यक्तियों का हाथ खराब हो जाता है, न तो उठा पाएगा न सीधा कर पाएगा न ताकत लग पाएगी। क्या है कि जो व्यक्ति उसकी एक्सरसाइज करा रहा होता है वो व्यक्ति उसके हाथ पर बहुत ध्यान नहीं देता। हम क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान हाथ और पैरों पर रहता है, स्पीच पर रहता है, मसल्स पर रहता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है। जिस व्यक्ति का मुंह टेढ़ा हुआ है, जिस व्यक्ति का मुंह टेढ़ा हुआ है, ऐसे किसी व्यक्ति का मुंह ऐसे हो गया, उसको हमने क्या करना है, उसके अपोजिट साइड में मसाज देनी है, ठीक है, ये नोट करो। अगर उसको ठीक करना है हमने तो उसके अपोजिट साइड में देखो ऐसे किसी व्यक्ति का मुंह ऐसे हुआ है तो हमने ऐसे मसाज देनी है, ऐसे मसाज देनी है, ठीक है, उसके अपोजिट सारी मसाज देनी है। अगर किसी व्यक्ति का इधर हो गया लेफ्ट साइड में तो उसके अपोजिट मसाज देनी है ऐसे, ठीक है। अभी किसी किसी व्यक्ति का ये गैप हो जाता है, आप किसी किसी पैरालिसिस वाले व्यक्ति का देखते हैं वो गैप हो जाता है इधर, आप समझ पा रहे हैं सारी चीजें, किसी किसी व्यक्ति का ऐसे उठ नहीं पाता, हमने उसके ऊपर भी रिसर्च करी है कि वो आखिर में होता क्या, मसल से एकदम लूज हो जाता है, हाथ से कट जाता है, वो हिल भी नहीं पाता, ठीक है। तो अभी किसी को इंजुरी के कारण पैरालिसिस हुआ, इंजुरी मीन्स बीपीआई हो गया और नर्व नर्व फट गया, तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, नेचुरल है, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति आ जाओ, कोई भी एक व्यक्ति, एक ही ट्रीटमेंट हम उसको देंगे, लेके सीधे सीधे उधर की ये पूरे आने चाहिए, सिर इधर ठीक है। देखो अभी ये जैसे लेटे ना, लेटने का तरीका इनका गलत है, थोड़ा ऊपर हो जाइए, इनके लेटने पहले आप करवट लीजिए, अभी बैठिए ऐसे तो बैठना है और ऐसे ही लेटना, इससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड ठीक रहेगी और पेट भी ठीक रहेगा और नाभि भी ठीक रहेगा, साथ ही साथ इसका ध्यान रखेंगे। किसी व्यक्ति को इंजुरी के कारण हुआ है, मतलब बीपी हाई होने के कारण हुआ है और नर्व ब्लास्ट मार गया, तो हम उसके लिए एक नेचुरल ऊपर हो जाओ, हम क्या करेंगे, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति को रखेंगे, एक पॉइंट होता है हमारे थाइमस, ठीक है, उसको एक्टिवेट करते हैं जिससे कि वो उसकी चीज को ठीक करें। पहले हम सब क्या करेंगे कि ऐसे सराहना लगा भी सकते हैं अन्यथा नहीं भी लगा सकते, दोनों पैरों पर मोड़िए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, हमने पैर इनके अलग कराए, देख लीजिएगा पैर सही है, हम पैरों से भी दे सकते हैं और हाथों से भी दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे इसको तीन पार्ट में तीन पॉइंटों में प्रेस कर लेंगे, पहले 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, इस लेफ्ट वाली थाई को तीन पार्ट में हमने बांट लिया, पहला ऐसे करके 6 सेकंड, ठीक है, फिर ऐसे करके 6 सेकंड, ध्यान रखते हैं, फिर ऐसे करके 6 सेकंड, ध्यान रहे ये चीज ऐसे बाहर की तरफ ना जाए, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ ना जाए, इसी तरह ध्यान रखेंगे, इसको घुटने का हाथ पीछे रखिए, मुंह से बोलिए हाथों से, ठीक है। तीसरा पॉइंट घुटने में आना नहीं, मैं बता रहा हूँ, बोलिए ये जो घुटना है इस घुटने से 2 या 3 उम्र इतना ऊंचा, ये जो जॉइंट है इससे थोड़ा नीचे इस वाले पार्ट में, ठीक है, घुटने पर नहीं पावर डालेंगे, घुटने से हमें कोई लेन देन नहीं, हम ऐसे पैरों से भी दे सकते हैं ऐसे 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, ये 1 ही टाइम करना है, 3 बार करना है, 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करना है, हाथ ऐसे कर लेंगे, ठीक है, इसको हम इसको भी सेम तीन पार्ट में हम करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, यहां कहेंगे 6 सेकंड, देखो मेरा हाथ कहां है, उसी तीनों पॉइंट पे ही, ठीक है, 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, ठीक है। इसको हम पैरों से भी कर सकते हैं, सराहना लगा लेना, मैं भी सराहना नहीं लगा रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम प्रेशर दे रहा हूँ, 6 सेकंड, फिर मिडिल में 6 सेकंड, फिर लोअर में 6 सेकंड, ठीक है। पहले अपर में जो हमारी आर्म्स है, जो आर्म हमारी है एल्बो टू रिस्ट जॉइंट, इसके बीच में ध्यान रखिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद में हम अपर ऊपर के पार्ट का देंगे, दोनों ऊपर कीजिए थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये
जो निप्पल्स होते हैं हमारे दोनों इसके बीच से मामूली सा ऊपर गया, हम पहले राइट साइड में घिसेंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है। इसके बाद में पहले इधर घिसेंगे, फिर हम इधर बारह टाइम घिसेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात दस ग्यारह बारह, फिर हम यहाँ आठ बारी घिसेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। सेम अपोजिट, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है। फिर हम इधर दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, फिर हम दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस क्रिया को फिर आगे दोबारा करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लो भाई सारे लोग, फिर बाद में पूछेंगे कि हम बोल गए या ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, हर चीज़ को नोट करो, ठीक है। फिर हम अगेन, पहले हम कितना दिया था यहाँ बारह, अभी दोबारा भी बारह, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात दस ग्यारह बारह, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, फिर यहाँ कितनी बार, इधर आठ बार, ठीक है। अभी आप समझो, इसको हम पैरों से भी कर सकते हैं, डबल मत करना, यहाँ बारह, यहाँ बारह और यहाँ आठ, ठीक है, यहाँ बारह, यहाँ बारह, यहाँ कितना आठ, फिर अगेन बारह बारह और आठ, फिर अगेन बारह बारह और आठ, तीन बार, ठीक है। ये अभी एक एक सेट हुआ है, मतलब ये फर्स्ट सेट हुआ है, हमने दो सेट देने उसको, अभी दूसरा ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब पहला यहाँ लेफ्ट साइड की थाई पर गोल का पॉइंट देंगे, छः सेकंड छः सेकंड छः सेकंड, फिर हम लीवर का पॉइंट देंगे उनको, याद दो जी नीचे, याद दो जी सीधा करो, यहाँ सराहना लगाना जरूरी है, अगर गद्दे पे हाथों से दे रहे हो तो सराहना नहीं लगाना, ठीक है जी। छः सेकंड और छः सेकंड, उसके बाद ऊपर दोनों ऊपर करो, बारह बारह आठ, बारह बारह आठ, बारह बारह आठ, बारह बारह, ठीक है। एक सेट हो गया, हम करेक्ट पूरा एक मिनट रुकेंगे सर, वो बन रही है ऑलरेडी, वो आपके पास है। अभी आगे फिर एक अगला, एक मिनट रुकने के बाद में फिर हम अगला सेट देंगे, अगला ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। ये किस व्यक्ति को देंगे हम, जिसका हाई बीपी होने के कारण नर्व फटी है और उसको पैरालिसिस हुआ है, दोनों में से किसी साइड भी हो जाए, ठीक है, दोनों में से किसी साइड भी हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, एक मिनट रोकने के बाद में ये क्रिया अगेन करेंगे, ये वाली क्रिया, इसको हम थाइमस चेस्ट एवं आर्मपिट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एट थाइमस चेस्ट, ठीक है। तो हम बारह बारह आठ, बारह बारह आठ, बारह बारह आठ, बारह बारह, ठीक है, टू टाइम हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे देंगे आठ पेंड, ठीक है, आठ पेंड ऐसे, छह सेकंड यहां प्रेस करेंगे, थोड़ा मैच छोड़ेंगे जी, ठीक है। इनको कंफर्टेबल लगना चाहिए, अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर हमें ट्रीटमेंट देता है तो ध्यान देंगे, पैरालिसिस का आने के बाद में तो यूरिनरी ब्लड भी लगा रहता है, खाना पीना भी नहीं खा पाता, हाथ पैर भी नहीं चलते, किसी को बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इसलिए हम हाथों से भी दे सकते हैं, पैरों से तो वो सहन करेगा ही नहीं, अन्यथा तो अगर पेशेंट ठीक है उसको हम दे सकते हैं, यूरिनरी ब्लड नहीं लगा हुआ, कुछ ऐसी व्यवस्था खराब नहीं है उसकी, हम पैरों से दे सकते हैं, लेकिन सामने वाले को कंफर्टेबल लगना चाहिए, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं, कम प्रेशर नहीं, लेकिन ये इसका पैरालिसिस का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, बेहतरीन रिजल्ट है, आप देखिए तो सही, ठीक है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ऐसे बाहर नहीं, जो हमारी ये जो हड्डी है, ठीक है, हिप जॉइंट की, जो हिप जॉइंट है जो इसकी, इससे चार उंगल नीचे, ठीक है, छः सेकंड ऐसे प्रेस करेंगे, करेक्ट छः सेकंड, और ऐसे छः सेकंड हमने आठ बारी प्रेस करना है, छः सेकंड फिर उठाएंगे, छः सेकंड फिर उठाएंगे, छः सेकंड, ऐसे हमने कितने टाइम आप प्रेस करना है, आठ टाइम, पूरा आठ बारी, ठीक है। अगला पॉइंट लीवर का, इसको हम सात बार प्रेस करेंगे, ठीक है, इसको हम कितना प्रेस करेंगे, सात बार, देखिए सेम, छह सेकेंड, ठीक है, फिर मिडिल में छह सेकेंड हो गए सात, एक दो तीन चार पांच छह, फिर एक मिडिल में सात, ये नोट कर लो, ठीक है। तो ये लीवर का पॉइंट आठ सात, फिर यहाँ चेस्ट ओनली, आठ चेस्ट ओनली मतलब बारह, सेम,
हाथों से भी दे सकते हो, 12 इधर 12 इधर 12 इधर 12, ठीक है, 2 टाइम्स। अभी उसका आता है कि हाथ, फिर हम हाथ में क्या करेंगे, ये हाथ में ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, नीचे सिराना लगा लेंगे, इधर सिराना लगाने के बाद में यहां से पूरा यहां से ऐसे करके खींच के ऊपर लेके जाएंगे, टोटली खींच के, ठीक है, ये टोटली खींच के ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, जैसे जो सर्कुलेशन नीचे गया है हमने उसको ऊपर करना है, हाथ उल्टा के जाता है, ध्यान रहे नीचे नहीं करना, हम उसको नॉर्मल करते हैं। अब आगे आता है स्पीच पॉइंट, बैठ लेंगे ऐसे, नहीं गलत होते हो ना, गलत तरीके से होते हो, आगे आता है स्पीच पॉइंट, अपना रूमाल निकालिए, आगे कौन सा आ गया, अगर स्पीच गई है तो, नहीं गई है तो कोई बात नहीं, इस एरिया में, इस वाले एरिया में, ठीक है, हल्का सा धमक देनी है बस, ऐसे भी दे सकते हैं, हल्की हल्की, सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। अभी आगे देखिए, साइड में गड़बड़ लेके आगे, अगर किलोट से गया है किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को किलोट से गया है, किसी व्यक्ति को किलोट आ गया है ट्रेन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 6 सेकंड की कुंडली होती है हमारे यहाँ, कुंडली को सराना लगाओगे, ठीक है, एक 6 सेकंड की क्या होती है, कुंडली, कुंडली किसी को हम हाथों से भी दे सकते हैं, जेंट्सों को मतलब पैरों से भी दे सकते हैं, ये जो टेल बोन होती है ना हमारी, टेल बोन, टेल बोन से जस्ट नीचे एनएस होता है, एनएस से जस्ट नीचे मामूली सा हल्का सा ऐसे प्रेशर देंगे, 6 सेकंड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट रुकेंगे बाबू जी, वो बन रही है प्लीज दोहराना ना पड़े, ठीक है, कितने मिनट रुकेंगे, फिर हम 6 सेकंड प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 1 मिनट रुकेंगे, फिर कितनी बार प्रेस करना है, 6 सेकंड, ठीक है, फिर हम 1 मिनट रुकेंगे, फिर 6 सेकंड, ठीक है, ऐसे 8 टाइम, 1 मिनट रुक के 6 सेकंड, फिर हम उसको बोलेंगे सीधे हो जाओ, मतलब पेशेंट सीधा नहीं होगा, हो सकता है वो उल्टा भी ना लेट पाए, हम सीधे हो जाए, ये जो ब्लड में क्लॉट होने के कारण, ब्रेन में क्लॉट हो जाता है ना, जिसके कारण पैरालिसिस हो जाता है, ज्यादातर 2 कारण होते हैं, बीपी हाई होने से, क्लॉट से, ज्यादातर मोस्ट यही कारण लेके जाते हैं, हमारे पास आज तक जितने पेशेंट आए उनमें हमने 2 कारण ज्यादा देखे हैं, पहला बीपी हाई हो जाता है, नस फट गई, दूसरा क्लॉट, ज्यादातर मेरे पास, हमारे पास जितने सारे हमने यही देखा है, सीधे हो जाओ, पेशेंट इस स्थिति में नहीं होता, कई बार वो सीधा हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो हमने साइड में करवट लेके भी हमें कुंडली दे सकते हैं, अभी आगे की वही क्रिया आ जाएगी, ठीक है, हमने सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं देंगे, 8 बारी हमने ये सिखाया था, ठीक है, 6 सेकंड की 8 टाइम सिखाया था हमने, वो वाला, फिर ये 7 लीवर ऐसे करो, ठीक है, ये 7 लीवर इधर अभी सिखाया था ना, दोनों हाथों पर, और दोनों हाथों पर करने के बाद में ये चेस्ट ओनली, 12 12 12, ठीक है, अगर उसकी स्पीच गई है तो हैमर, वो बार पर, अभी पैर के लिए ध्यान रखें, पैर में, उसके पैर में एक पॉइंट होता है, वो हमने देना है उल्टे जोर, ठीक है, थोड़ा जरा जो 2 सिराने लेंगे, मैं भी एक ही से बता रहा हूँ, पैर मोड़ो जी, बार ऊपर मोड़ो, ये ऐसे, ठीक है, जैसे हमने हाथ में दिया था वही सेम हम पैसे या हाथों से दे सकते हैं, यहां से ऐसे 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 धीरे धीरे चलेंगे, ऐसे ऐसे, और यहां आके ऐसे रोक देंगे, ये बेटर है, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है पैर वाली व्यक्ति के लिए, जैसे मेरे पास काफी सारे पेशेंट्स ठीक हुए और 100% ठीक हुए हैं, जिन्होंने लिख के दिया कि हाँ मन मतलब 100% ठीक है, जिन्होंने कई कई साल फिजियोथेरेपी कराई है, हाथ ठीक नहीं हो पाए, वो हाथ ठीक हुए हैं, ठीक है, कामयाब है हम इस चीज में, धीरे धीरे यहाँ से ऐसे चलेंगे, थोड़ा सा दर्द होगा पेशेंट्स को, आपको भी हो रहा है, हल्का सा, क्योंकि मैं तेज नहीं करता, ठीक है, यहाँ से सारे एरिया को कवर करते हुए यहाँ तक ऐसे लाएंगे और यहाँ छोड़ देंगे, बस,
ये हम अपने घरेलू मतलब कर सकते हैं। अगर ये हाथ से करना तो कैसे करेंगे? हाथ से भी कर सकते हैं। सर सर बता दीजिए आप फूड कितना डाल। ये देखो अगर हाथ से करना है तो इस तरीके से ये सर एक मिनट उसको ऐसे नहीं डंडे हम अपने हाथ पर यूज हमने हमारी थेरेपी में कोई सप्लीमेंट यूज नहीं होता हम अपने हाथ पर ये कामयाब है पॉइंट बहुत जबरदस्त है इससे इस एरिया का और इस एरिया का सारा जो सर्कुलेशन नीचे है वो कंप्लीट अच्छा हो जाएगा ठीक है ये पैरालिसिस कंप्लीट क्यों होता है तीन चार बार ही कर दो ये तो नॉर्मल ट्रीटमेंट केमिकल ट्रीटमेंट ही नहीं ये तो फिजिकली ट्रीटमेंट है चार पांच बार कर दो सर एक मिनट ठंडा गर्म पानी या कुछ ऐसे कर सकते हैं तो अभी हम सिर्फ नेरोथेरेपी कर रहे हैं वो नहीं ये दोनों साइड का नेरोथेरेपी की बातें करेंगे सर इसको दिन में जैसे एक बार लेफ्ट साइड नहीं करना जिस साइड में पैरालिसिस है जिस पैर में पैरालिसिस है ठीक है किसी को लेफ्ट में होता है किसी को राइट में होता है किसी को लेफ्ट साइड होता है किसी को राइट साइड होता है सर पैराप्लेजिया भी हो जाता है बहुत साइड पैराप्लेजिया अलग हो गया पैराप्लेजिया भी अलग केस हो गया पैरालिसिस अलग केस हो गया पैराप्लेजिया के तो बताएंगे ठीक है किसी को बहुत पुराना है प्रेशर उतना ही देंगे जितना सामने वाला आपके घर में किसी व्यक्ति को पड़ोसी में असहनीय अनकंफर्टेबल महसूस कोई भी पॉइंट प्रेस करेंगे उतना ही पांच छह साल से किसी को पुराना उसको भी चालू कर दो अभी जाके चालू कर दो ठीक है ट्रीटमेंट तो आपने सीख लिया अभी जाके सारी चीजों को चालू कर दो एक बार कर दिया तो एक दो घंटे के बाद फिर कर सकते हो हां कोई बात नहीं दो घंटे बाद कर सकते हो हर दो घंटे बाद आप कर सकते हो कितने समय तक दे रहा सर जैसे वो खाना पीना खाने की स्थिति में एक घंटे को अभी मेरा पेट भरा हुआ है देखो लॉजिक होता है सीधी सी बात है अगर मेरा पेट बहुत भरा हुआ है अभी मैं उल्टा भी लेटूंगा मैं सीधा भी लेटूंगा खराब भी हो जाऊंगा मेरे पेट प्रेशर भी पड़ेगा तो पेट खराब रहने के चांस रहते हैं पेट खाली रहेगा तो पेट खराब रहने के चांस ही नहीं है बॉडी कंफर्टेबल महसूस करेगी और एनर्जेटिक भी रहेगी और आराम से ट्रीटमेंट भी ले लेगा अभी पेट भी भरा हुआ है हम ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है ये कितना ये चीज कितने समय तक करना चाहिए हर दो घंटे बाद आप कर सकते हो उसको लंबा पीरियड कितने समय जब तक ठीक ना हो जाए पेशेंट सर कब ठीक होए आपके हाथ में हमारे हाथ में तो है नहीं आज का तो समय ही ऐसा है कि जादू की तरह दो दिन में ठीक कर दो जो सर अगर हमारी क्लिनिक पर कोई पेशेंट आ रहा है तो हम दो घंटे में तो उसको दे नहीं सकते एक दिन लेते देखिए हम सिर्फ वर्कशॉप आपको करा रहे हैं क्लिनिक की बात नहीं कर रहे माफ कीजिएगा अभी हम आपको लिखित में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो देंगे नहीं पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट है एक दिन का ना वो तो कोई दिक्कत नहीं है सर मैंने कहा ठीक है जी कंप्लीट वो बनता है